रात अदरक बहन जी पीसा, फिर मैं आज मैं लेके आई हूँ गोभी आलू की सब्जी न्यू स्टाइल से बनाने की। तो इस टाइप से आप ज़रूर बनाएगा फ्रेंड। तो मैंने इसमें तेल गरम किया, इसके बाद मैंने डाला हींग, और इसके बाद फ्रेंड टमाटर रखे थे कटे हुए वो मैंने डाल रहे, हल्का सा फ्राई होने के बाद फिर मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्च। आप स्किप भी कर सकते हो, अगर नहीं खाना तो आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जब फ्राई हो जाए तो मैंने सारे मसाले ऐड किए इसमें। इसमें धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी एंड नमक टेस्ट के अनुसार आप डालिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा जब फ्राई हो जाना है तो थोड़ा सा तेल छोड़ने लगता है ना मसाला, जब तक आपको फ्रेंड ये फ्राई करना है। उसके बाद आप इसमें जो टमाटर, जो गोभी और आलू रखे थे कटे हुए वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद इसको आपको ढक के पकाना है, और बीच बीच में आपको देखते रहना कि सब्जी फिर जल ना जाए कहीं, आपको बीच में देखना फ्रेंड। और इसमें मैं डाल रही हूँ देखिए मैगी मसाला, जो ये मैगी मसाला रहता है और भी अच्छा टेस्ट कर देगा सब्जी का, बहुत ही बढ़िया टेस्ट बढ़ा देगा। तो आप ये इस तरह से सब्जी जरूर बना के देखिएगा। और जब हल्का सा इसको फ्राई करना है, फ्राई करने जब हो जाए तो फ्राई के बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती काट के, जो बहुत ही बढ़िया और टेस्ट बढ़ा देता है। धनिया तो पता ही है आपको फ्रेंड, हर सब्जी में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद मैंने ये फ्रेंड सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर ली सब्जी। और पराठे या सब्जी किसी भी रोटी या पराठे से आप खा के देख खाइएगा, बहुत इस तरह से आप जरूर बनाएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।